एवरीवन, दिस इज अर्चना, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9, जो कि रिलेटेड है आपका एजुकेशनल लीडरशिप मैनेजमेंट से। इस यूनिट का पार्ट ए ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट बी में भी कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो का फोकस पॉइंट है हमारा कंटेंजेंसी लीडरशिप थ्योरी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ और सिर्फ नेट पेपर में ही नहीं, बल्कि चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे वो जीडीसी का एग्जाम हो, चाहे वो पीएचडी एजुकेशन का एग्जाम हो, हर जगह पे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और समझिए कि कंटेंजेंसी लीडरशिप थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो जैसे कि इस फर्स्ट स्लाइड पे हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे कंटेंजेंसी थ्योरी के बारे में। तो जैसा कि आपको पॉइंट्स में कुछ चीजें दिख रही होंगी, पहला लिखा है द फीडलर कंटेंजेंसी मॉडल इज अ लीडरशिप थ्योरी दैट सजेस्ट दैट देयर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच। ठीक है, तो इस पॉइंट का यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपकी कंटेंजेंसी थ्योरी है, जो आपकी कंटेंजेंसी थ्योरी कहिए या कंटेंजेंसी मॉडल कहिए, बात एक ही है। तो जो कंटेंजेंसी थ्योरी है, ये कहती है कि जो लीडरशिप का स्टाइल है, ठीक, जो लीडरशिप का स्टाइल है वो किसी भी एक सिचुएशन के लिए फिट नहीं होता है। सपोज कि अगर जो हम बात करें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की, है ना, अगर जो बात करें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की, तो हमेशा जो लीडर होगा वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को ही नहीं यूज करेगा। जैसी सिचुएशन होगी, है ना, जिस तरीके की हमारे पास सिचुएशन होगी, जैसी सिचुएशन हमारे पास उस समय अवेलेबल होगी, उस सिचुएशन को देखते हुए हम लीडरशिप स्टाइल को चूज करते हैं। तो यही बात करता है आपका कंटेंजेंसी मॉडल। कंटेंजेंसी मॉडल ये कहता है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो किसी एक साइज में फिट नहीं होती है। हमेशा जैसी सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम लीडरशिप स्टाइल को चूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यही चीज आपकी ये फर्स्ट पॉइंट में बताई गई है। क्या लिखा है? The Fiedler Contingency Model is a leadership theory that suggests that there is no one-size-fits-all approach to leadership. Instead, the most effective leader's style depends on the situation at hand. Most important point, जो मैंने अभी आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसी सिचुएशन हमारे पास अवेलेबल होगी, उस तरीके की उस लीडरशिप स्टाइल को हम चूज करेंगे। Is that clear? देन आपका सेकेंड पॉइंट है, द मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय फ्रीड फील्डर। जो मॉडल है आपका वो फ्रीड फील्डर के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कंटेंजेंसी मॉडल किसने दिया है, तो आंसर क्या होगा आपका? फ्रेड फीडलर। फ्रेड फीडलर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये यहां से क्वेश्चन आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और अगर जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, एडवर्टीजमेंट 50, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इज इट क्लियर? तो जो आपका कंटेंजेंसी मॉडल है, ये फ्रीड फील्डर ने दिया है। और फ्रीड फील्डर एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1960 में, ठीक है, पर्सनैलिटी और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स पे स्टडी की। उसके बेसिस पे इन्होंने कंटेंजेंसी मॉडल को दिया। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फैक्टर्स ऑफ थ्योरी, यानी कि जो कंटेंजेंसी मॉडल है हमारा, कंटेंजेंसी मॉडल किन किन फैक्टर्स पे वर्क करता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका कंटेंजेंसी मॉडल है इसमें कितने फैक्टर्स हैं। तो कंटेंजेंसी मॉडल में आपके मेन थ्री फैक्टर्स काम करते हैं। पहला है ट्रेट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रेड फील्डर ने पर्सनालिटी और लीडरशिप पे काम किया, उसके बेसिस पे उन्होंने कंटेंजेंसी मॉडल को या कंटेंजेंसी थ्योरी को डेवलप किया। ठीक है, तो इसी पर्सनालिटी में आपने, अगर जो मेरी
साइकोलॉजी वाली वीडियो देखी हो, एजुकेशन साइकोलॉजी वाली देखी हो, तो वहां पे मैंने पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर जो वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए। तो पर्सनालिटी में भी आपकी एक होती है टाइप थ्योरी और एक होती है आपकी ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी, ठीक है। तो फ्रिट फेडलर ने कंटिजेंसी मॉडल में ट्रेड थ्योरी की बात की, या पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात की, बिहेवियर की बात की और सिचुएशन की बात की, ठीक। यानी कि जो आपकी थ्योरी है, कंटिजेंसी मॉडल है, कंटिजेंसी थ्योरी जो है वो ट्रेड की बात करता है, और ट्रेड में भी क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात हो रही है, बिहेवियर की बात करता है और सिचुएशन की बात करता है। तो जो सिचुएशन है वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी कंटिजेंसी मॉडल या कंटिजेंसी थ्योरी आपकी सिचुएशन और फेवरेबलनेस पे बेस्ड, यानी कि जैसी सिचुएशन होगी और जो हमारी सिचुएशन है, वो जो लीडर है वो लीडर के अकॉर्डिंग, या लीडर कितना जो उसकी सिचुएशन है वो उसके फेवर में है, इसकी बात करता है, ठीक है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, एक सिचुएशन और एक फेवरेबलनेस, ठीक है। तो आपकी जो कंटिजेंसी थ्योरी है वो सिचुएशन और फेवरेबलनेस पे काम करती है। दूसरी बात, इसमें मेन तीन फैक्टर्स हैं, पहला है ट्रेट, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है सिचुएशन। इज इट क्लियर? ये बात कर रही है कि जो आपकी, अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में तीन फैक्टर्स की बात की, ठीक है। पीछे स्लाइड में तीन फैक्टर्स की बात की। पहला फैक्टर था आपका ट्रेट, दूसरा फैक्टर था आपका बिहेवियर, ठीक है, और तीसरा फैक्टर था आपका सिचुएशन, ठीक है। इसके अलावा हमने ये बात की कि जो सिचुएशन था, सिचुएशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सिचुएशन के साथ साथ आपका, मैंने क्या बताया था, आपकी लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, लीडरशिप स्टाइल हो गया आपका, और दूसरा सिचुएशन जो है वो कितना फेवर में है आपके, यानी कि सिचुएशन फेवरेबलनेस, ठीक है। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं आपके फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी के। पहला है लीडरशिप स्टाइल। अब लीडरशिप स्टाइल में क्या होगा कि फ्रेड फेडलर ने एक स्केल बनाई, उस स्केल का नाम था एलपीसी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलपीसी का फुल फॉर्म या एलपीसी स्केल किसने डेवलप की, तो वहां भी आपका आंसर होगा फ्रेड फेडलर, ठीक है। तो एलपीसी का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, ठीक है। तो यानी कि लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल बनाए फ्रेड फेडलर ने, जिसको उन्होंने बोला एलपीसी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस फैक्टर यू डिटरमाइन योर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। यानी कि इस फैक्टर में, यानी कि लीडरशिप स्टाइल में, लीडर क्या करता है, अपने लीडर जो उसकी लीडरशिप है उस स्टाइल को पहचानता है, और वो जो लीडरशिप स्टाइल है वो किसके बेसिस पे पता चलेगी, हमारे एलपीसी स्केल के बेसिस पे पता चलेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे वाली स्लाइड में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एलपीसी स्केल क्या है। देन आपके सेकंड फैक्टर है सिचुएशन फेवरेबलनेस। सिचुएशन फेवरेबलनेस का कहता है, इट इज द सेकंड स्टेप दैट डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर सिचुएशन फेवरेबलनेस। यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमें मिलती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन, वो सिचुएशन होगी वो लीडर के कितने फेवर में है और कितने अनफेवर में है, ठीक है। ये दो चीजें हम सिचुएशन फेवरेबलनेस में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि तीन फैक्टर्स में आपका ट्रेड, बिहेवियर और सिचुएशन आ जाता है, और जो दो मेन फैक्टर्स हैं उसमें लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशन फेवरेबलनेस आ जाता है। लीडरशिप स्टाइल आपकी एलपीसी पे डिपेंड करती है, और सिचुएशन फेवरेबलनेस, जो भी सिचुएशन होगी, लीडरशिप लीडर जो होगा उस सिचुएशन में कौन सी पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल चूज करेगा, ये बताता है। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी ये जो स्केल है, ठीक है। अब इस स्केल को ध्यान से देखिएगा, इस स्केल से आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये स्केल देखिए, यहाँ पे ये दो ऐसी सारी लाइंस दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हाई और यहाँ पे लिखा है लो, और ये जो है, यानी कि ये जो लाइन बताती है, ये जो लाइंस हैं ये बताती है आपकी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आपकी लो होगी या हाई होगी, ठीक है। अब इधर दिया हुआ है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल में आपको ये याद रखना है कि कंटिजेंसी मॉडल में या कंटिजेंसी थ्योरी में दो लीडरशिप स्टाइल की बात की जाती है। पहला है आपका टास्क ओरिएंटेड
और दूसरा है आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड. इज दैट क्लियर? टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा. यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. इसी के साथ अगर जो आपने मेरी ब्लैक एंड माउंटेन की मैनेजेरियल ग्रिड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि अगर जो क्वेश्चन ब्लैक एंड माउंटेन की मैनेजेरियल ग्रिड से आता है तो आप किस तरीके से करेंगे. ठीक, अब हम फिर से पढ़ते हैं कंटिजेंसी मॉडल. तो फेडलर्स कंटिजेंसी मॉडल में दो लीडरशिप स्टाइल बताई हैं. पहला है आपका टास्क ओरिएंटेड और दूसरा है आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड. इज इट क्लियर? तो टास्क ओरिएंटेड में आपको ये वाली लाइन देखनी है और रिलेशनशिप ओरिएंटेड में आपको ब्लू वाली लाइन देखनी है. अब हम समझते हैं कि इस स्केल के थ्रू हम कैसे पता करेंगे कि कब हमें टास्क ओरिएंटेड वाली स्टाइल यूज करनी, कब हमें रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल यूज करनी. इज इट क्लियर? आप देखिए इस तरफ यहां पे लिखा है सिचुएशन. ठीक है, यहां पे लिखा है, नीचे देखिए सिचुएशन में यहां पे लिखा है सिचुएशन. ठीक है, तो सिचुएशन में तीन तरीके की सिचुएशन की बात की गई है. एक है लीडर मेंबर रिलेशन, दूसरा है टास्क स्ट्रक्चर और तीसरा है लीडर्स पोजीशन. यानी कि सिचुएशन में आपकी तीन तरीके की सिचुएशंस आएंगी, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर्स पोजीशन पावर. ठीक है, यानी लीडर मेंबर रिलेशन का मतलब क्या है कि जो लीडर्स हैं, मतलब कि जो लीडर है, ठीक है, लीडर के अंडर में कुछ मेंबर्स काम करेंगे तो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है. ठीक है, दूसरा है टास्क स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी टास्क आपको दिया गया है उस टास्क का स्ट्रक्चर कैसा है. और तीसरा लीडर्स पोजीशन पावर, यानी कि लीडर उस समय, लीडर की क्या पावर, लीडर के पास कौन से पावर्स हैं, इन पावर्स की बात की गई है. ठीक, अब देखिए कि अगर जो सिचुएशन फेवरेबल होगी, यानी कि जो भी लीडर है लीडर के फेवर में अगर सिचुएशन होगी, ठीक है, तब अगर जो फेवर में सिचुएशन है तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप कैसा होगा, गुड होगा. टास्क स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाई होगा. और लीडर पोजीशन पावर क्या होगी, कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक, यानी कि समटाइम्स स्ट्रॉन्ग समटाइम्स वीक, यानी कि लीडर की जो पोजीशन है समटाइम्स बहुत ज्यादा होगी, कभी कभी कम हो जाएगी. ठीक, इज दैट क्लियर? यानी कि आप क्या है कि जब लीडर की सिचुएशन फेवरेबल होगी तो लीडरशिप और लीडर और मेंबर के रिलेशनशिप्स भी गुड होंगे, उनका टास्क स्ट्रक्चर भी हाई होगा और लीडर की पोजीशन भी अच्छी होगी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए कि जब हम बात करते हैं सिचुएशन की, और सिचुएशन में जब हमारी सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है, तो टास्क जब हमारी जो सिचुएशन है वो फेवरेबल होगी तो जो लीडरशिप स्टाइल होगा वो हम टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल का हमेशा यूज करेंगे. यानी कि जब जो सिचुएशन है वो लीडर के फेवर में है, सिचुएशन जो है वो लीडर के फेवर में अगर जो होगी, सिचुएशन लीडर के फेवर में होगी तो हमेशा हम टास्क ओरिएंटेड, लीडरशिप स्टाइल का हम यूज करेंगे. इज इट क्लियर? अब आ जाइए अनफेवरेबल सिचुएशन पे. तो अनफेवरेबल सिचुएशन में अगर जो लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स पुअर है, यानी कि जो लीडर है वो लीडर और मेंबर के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, है ना, लीडर ना ही उनको मोटिवेट करता है ना ही उनको इमोशनली सपोर्ट करता है, कुछ भी लीडर, यानी कि लीडर और मेंबर के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, पुअर. पुअर टास्क स्ट्रक्चर भी लो है, जो लीडर है क्या काम करना है, क्या टास्क है, वो लीडर्स को अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं है, एम्बिग्युटी है. ठीक है, तो जो टास्क का स्ट्रक्चर है वो भी कैसा है, लो है. और लीडरशिप पोजीशन पावर कैसी है, कभी कभी तो स्ट्रांग होगी कभी वीक होगी. तो इस तरीके की सिचुएशन में जब लीडर के जो सिचुएशन है वो अनफेवरेबल हो, अनफेवरेबल में तीन चीजें आ जाएंगी आपकी, लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स, टास्क स्ट्रक्चर और आपका लीडर्स पोजीशन पावर. अगर जो अनफेवरेबल है तब भी यहां पे देखिए अनफेवरेबल के टाइम पे जब पोजीशंस क्या है, लो है ना, यानी कि अनफेवरेबल का मतलब क्या है, जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस हमारी कैसी लो है, उस समय पे भी क्या है, जो स्ट्रक्चर है, यानी उस समय पे भी जो लीडरशिप स्टाइल है
वो हम टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल का यूज करेंगे। यानी कि जब हमारे सिचुएशन, यानी कि जो लीडरशिप की सिचुएशन है, अगर जो सिचुएशन उसके फेवर में है और अनफेवरेबल दोनों तरीके की सिचुएशंस में हम टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल का यूज करते हैं। ये आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम मॉडरेट पे। ठीक है, अब आई होप आपको हाई और लो, ठीक है, यानी कि फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों तरह की कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे मॉडरेट कंडीशन की। ठीक, अब हम बात करेंगे मॉडरेट कंडीशन की। तो मॉडरेट कंडीशन के टाइम पे है ना, अब देखिए मॉडरेट को पढ़ने से पहले एक चीज और समझ लीजिए। जब हमने बात की थी फेवरेबल कंडीशन की, तो फेवरेबल कंडीशन पे जो हम लीडरशिप स्टाइल कैसे यूज करेंगे, टास्क ओरिएंटेड। तो जब हम टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल का यूज करेंगे, तो उस समय क्या होगा, जब हमारे कंडीशन फेवरेबल होंगी, तो जो लीडरशिप स्टाइल कैसा होगा, टास्क ओरिएंटेड, यानी कि टास्क ओरिएंटेड होगा, और जो रिलेशनशिप होगा वो लो होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। यानी कि जब भी हम फिडलर कंटिजेंसी मॉडल की बात करेंगे और हमारे पास जो सिचुएशन है वो फेवरेबल है, तो फेवरेबल सिचुएशन में जो लीडरशिप स्टाइल कौन सा यूज करेंगे, हम टास्क ओरिएंटेड। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय टास्क कैसा होगा, हाई होगा, और रिलेशनशिप कैसा होगा, लो होगा। इज दैट क्लियर। उसी तरीके से जब हम अनफेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं या अनफेवरेबल सिचुएशन की बात करते हैं, तो उस समय पे भी हम जो लीडरशिप स्टाइल होगी वो हम टास्क ओरिएंटेड यूज करेंगे। तो वहां पे भी जो टास्क है, टास्क कैसा होगा, हाई होगा, और रिलेशनशिप कैसा होगा, लो होगा। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं मॉडरेट की। तो मॉडरेट में आपने क्या देखा कि अगर जो हम बात करते हैं लीडरशिप मेंबर रिलेशंस की, तो यहाँ पे भी क्या है, गुड, पुअर। यानी कि देखिए यहाँ पे कुछ मार्किंग भी दी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 पॉइंट की ये स्केल है एलपीसी जो है आपकी। तो यानी कि 1 से लेके 2 तक आपकी जो कंडीशंस है वो फेवरेबल हैं, 3 से लेके 7 तक जो आपकी सिचुएशंस हैं वो मॉडरेट हैं, और 7 और 8 वाले पे आपकी जो सिचुएशंस है वो अनफेवरेबल हैं। तो जब हम बात करते हैं मॉडरेट की, तो यहाँ पे सब कुछ कैसा होगा, ना बहुत हाई होगा ना बहुत लो होगा, चीजें कैसे होंगी, मीडियम या मॉडरेट होंगे। तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स भी कैसे होंगे, ना ज्यादा अच्छे होंगे ना ज्यादा खराब होंगे। टास्क स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, ना बहुत ज्यादा खराब होगा ना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे ही लीडर्स की जो पोजीशन पावर है वो कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक इस तरीके से हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं मॉडरेट लीडर्स, मॉडरेट सिचुएशन की, तो मॉडरेट सिचुएशन के टाइम पे हमेशा हम रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। तो अगर जो आप देखें, तो यहाँ पे आपके इस एलपीसी स्केल से हमें 3 चीजें समझ में आई। इस एलपीसी स्केल से हमने 3 चीजें समझी। पहला, अगर जो हमारी सिचुएशन फेवर में होगी, सिचुएशन कैसी, फेवरेबल है, सिचुएशन अगर जो हमारी फेवरेबल है, तो हम टास्क ओरिएंटेड स्टाइल का यूज करेंगे। ठीक, और अगर जो हमारी सिचुएशन है वो अनफेवरेबल है, उस समय पे भी हम टास्क ओरिएंटेड स्टाइल का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। अगर जो हमारी सिचुएशन मॉडरेट है, सिचुएशन हमारी कैसी मॉडरेट है, तो हम रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल का यूज करेंगे। इज इट क्लियर। आई होप आपको ये स्केल समझ में आई होगी। इस स्केल से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। स्केल बहुत आसान है ना। अगर स्केल आपको समझ में आ गई, तो आप यहां से आने वाले क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे।
फ्रेड फेडुलस कंटिजेंसी मॉडल में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे दो तरीके की लीडरशिप स्टाइल की बात की गई है, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप की और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप की। यहाँ पे सिचुएशन में तीन तरीके के सिचुएशंस की बात की है, लीडर मेंबर रिलेशन की, टास्क स्ट्रक्चर की और लीडर्स पोजिशन पावर की। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सिचुएशन फेवरेबलनेस। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू फ्रेड फेडलर्स थ्योरी, डिफरेंट पीपल कैन बी इफेक्टिव इन डिफरेंट सिचुएशंस। पहली स्लाइड में हमने ये बात की थी कि जो आपकी फ्रेड फेडलर्स कंटिजेंसी मॉडल है ये हमेशा एक सिचुएशन की बात नहीं करता, ये कहता है कि जैसे जैसे हमारे सिचुएशंस बदलती जाती हैं वैसे ही वैसे हमारी जो लीडरशिप की स्टाइल है वो भी बदलती रहती है। इज इट क्लियर? अब क्या कह रहे हैं, द एलपीसी स्कोर इज अकीन टू पर्सनैलिटी ट्रेट एंड इज नॉट लाइकली टू चेंज। Instead placing the right people in the right situation or changing the situation is important to increase leadership effectiveness। यानी कि जब हम सिचुएशन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल को अपनी चेंज करेंगे तब जो लीडर की इफेक्टिवनेस है या जो भी हमने गोल्स हम बनाए हैं उस प्रोग्राम को या जो भी प्रोग्राम है या जो भी आपका बिजनेस है ना, उस गोल को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो स्केल हमने पीछे डिस्कस की है उस स्केल का आपको बिल्कुल क्रिस्प मिल जाएगा। सिचुएशन फेवरेबलनेस में क्या बात करें, जब फेवर में सिचुएशन होगी और लीडर सबऑर्डिनेट रिलेशन यानी कि जो लीडर मेंबर रिलेशनशिप है वो कैसे होंगे, गुड होंगे। ठीक है, पावर पोजीशन कैसी होगी, हाई होगी और स्ट्रक्चर कैसा होगा, कभी हाई कभी लो, जो कि हमने पीछे वाली स्केल में डिस्कस किया। तो इस समय पे जो बेस्ट स्टाइल कैसी होगी, लो एलपीसी लीडर। इज इट क्लियर? यानी कि एलपीसी पे जो भी हमने अभी डिस्कस किया टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप ओरिएंटेड उस चीज की बात की गई है। जब यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन होगी वो मीडियम होगी तो कभी अच्छी होगी कभी पुअर होगी, तो जो आपका पोजीशन पावर है वो भी कभी स्ट्रांग होगा कभी हाई होगा और जो टास्क स्ट्रक्चर है वो भी कभी लो होगा कभी हाई होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब बात करते हैं अनफेवरेबल की। तो अनफेवरेबल में सारी सिचुएशन जो कैसी होंगी, पुअर होती है, टास्क स्ट्रक्चर भी आपका लो होता है और जो आपका पोजीशन पावर भी होता है कभी हाई कभी लो होता है। ठीक है, तो वहां पे बेस्ट स्टाइल क्या होगी, लो एलपीसी लीडर पे जो भी स्टाइल आपकी आ रही होगी वो होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है वो आपके आपको अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कंटिजेंसी अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहला क्या है, सिचुएशन प्रस्पेक्टिव। सिचुएशन प्रस्पेक्टिव में नो मैनेजमेंट स्टाइल फिट्स ऑल सिनेरियोस, जो कि हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर रहे हैं कि ये कहता है कि एक 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 तरीके की लीडरशिप स्टाइल किसी हमेशा उसी सिचुएशन में फिट नहीं होगी क्योंकि सिचुएशंस हमारी बदलती रहती हैं, तो जैसे जैसे हमारी सिचुएशंस बदलेंगी वैसे वैसे हमें अपनी लीडरशिप स्टाइल को भी बदलना पड़ेगा। देन इन कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स में डिसीजन डिपेंड्स ऑन कंपनी साइज इंडस्ट्री कल्चर एक्सेट्रा, यानी कि जो डिसीजन होते हैं वो कंपनी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, लीडरशिप एडजस्ट स्ट्रेटजीज एंड सिचुएशनल चेंजेस। तो जैसे जैसे हमारे सिचुएशन चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे लीडरशिप को अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। देन है आपका इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन में क्या है, टेलर्ड लीडरशिप अप्रोचेस फॉर डाइवर्स एम्प्लॉयज नीड्स, यानी कि जो भी आपके मेंबर्स हैं तो लीडरशिप को हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस को उनकी नीड्स का पता होना चाहिए जिससे कहीं पे भी सिचुएशन में जो चेंज आए तो लीडर अपने एम्प्लॉयज में या अपने मेंबर्स में चेंजेस कर पाए। इज इट क्लियर? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी कंटिजेंसी अप्रोच की। पहली क्या है, सिचुएशनल पर्सपेक्टिव, दूसरी है कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअलाइजेशन। इज इट क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने कंटिजेंसी अप्रोच टू कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया, सिचुएशनल फेवरेबलनेस के बारे में डिस्कस किया, एलपीसी स्केल हमने डिस्कस की, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था आपकी वीडियो का। यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि फेट कंटिजेंसी मॉडल में हम कौन सी लीडरशिप स्टाइल का यूज करते हैं, कब हम टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल का यूज करेंगे, कब हम रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल का यूज करेंगे, ये आपको मैंने इस स्लाइड में डिटेल में समझाया। कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमने दो फैक्टर्स पढ़े, दो फैक्टर्स में हमने लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल का यूज करेंगे और सिचुएशनल फेवरेबलनेस के बारे में हमने डिस्कस किया। देन हमने फैक्टर्स डिस्कस किए कि जो आपकी एलपीसी स्केल है
वो तीन फैक्टर्स पे काम करती है, ट्रेड, बिहेवियर एंड सिचुएशन पे। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल एक्चुअल में है क्या, क्या बात करती है कंटिजेंसी मॉडल, कब आई, किसने दी। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ, अगर जो आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियोस आ रही हैं वो आपको अपडेट मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल्स को शेयर जरूर करिए, जिससे सब तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।